दोस्तों वीडियो में कवर करेंगे IRV इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक को। जैसा कि दोस्तों आप देखोगे कि भाई कई सारे कमेंट देखने को मिले कि भाई IRV इंफ्रा का कुछ अपडेट दो, करंटली चल क्या रहा है। देखो भाई IRV इंफ्रा की ना तो वी के टाइम रिजल्ट डेटा ये ना ही कोई कंपनी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट है। रही कल की बात तो कल नॉर्मली यहाँ पे हमें सेशन देखने को मिलेगा। मार्केट अगर अपसाइड देखने को मिला तो इसमें भी हमें 1.5% का बाउंस नजर आ सकता है। बट सबसे मेन पॉइंट ये कि अभी के टाइम हमारा डिसीजन क्या रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग पैनिक है भाई, कई लोगों को लग रहा है कि IRV इंफ्रा के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। IRV इंफ्रा यहाँ से कंसोलिडेट ही करता रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो स्टॉक ज़्यादा कंसोलिडेट करते हैं उससे बड़ा डेंजर मार्केट में कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो जब गिरते हैं बहुत तगड़ी तरीके से गिरते हैं, जब वो भागते हैं तो बहुत तगड़े तरीके से भागते हैं। अब डिपेंड करता है स्टॉक का फंडामेंटल। अगर कंपनी का फंडामेंटल बेहतर है, अच्छे हैं एंड गवर्नमेंट उस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है तो आगे उसमें अब ट्रेंड ही स्टार्ट होगा। बट अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रही है, नॉर्मल स्टॉक के अंदर हमें वॉल्टिलिटी दिख रही है, तो आगे चल के या तो वो कंसोलिडेट ही करता रहेगा या वो गिरेगा, वैल्यू पे जाएगा। तो अभी के टाइम जिस हिसाब से हमें IRV इंफ्रा के अंदर चीज़ें नजर आ रही है, तो जितना कंसोलिडेट करना था कर चुका है एंड लगातार FIDI ने भी मौका यहाँ पे देखा है। FI की बहुत तगड़ी होल्डिंग है स्टॉक में, तो आगे जाके यहाँ से गवर्नमेंट भी देखो अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खासा बजट भी मिला है, तो कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें अभी के टाइम एक चीज़ समझना चाहिए, अगर हम वेट कर सकते हैं, मान के चलो हम 3-4 महीने वेट कर सकते हैं, हम दिवाली तक वेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन आपके सामने ऑप्शन है IRV इंफ्रा। क्योंकि IRV इंफ्रा एक तो बॉटम बना रखा है ऑलराउंड स्टॉक ने 62 रुपये का एंड इसके नीचे नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ फायदा यह है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, तो आगे जाके स्टॉक में ऊपर जाना ही है। क्योंकि यहाँ पे देखो कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर भी है एंड करंटली हमें Q1 के जो रिजल्ट है वो भी देखने को मिलेंगे। रिजल्ट से उम्मीद है कि इस क्वार्टर की जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर दे, जो कि इतिहास का कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट रहेगा, जो कि डायरेक्ट आपके पी पे इफेक्ट करेगा। जो पी अभी के टाइम आप ओवरबोर्ड बोलते हो कि भाई जो कंपनी का P40 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ओवरबोर्ड पी है, तो ये जो 40 का पी है ना भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-35 के आसपास का पी देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए आगे बहुत तगड़ा जो मौका है तेजी का वो पैदा करेगा। तो मेरे हिसाब से IRV इंफ्रा में जो भी टाइम आप टेंशन ले रहे हो आप गलत टेंशन लो। आप टेंशन एक चीज़ के ले रहे हो कि भाई ये अभी भागे, भाई अभी नहीं भागेगा। जिस प्रकार हम चाहेंगे ना उस प्रकार ये नहीं भागेगा। जब कोई बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी खरीदेगा, बड़ा प्लेयर इसको भगाएगा ना, तभी भागेगा। एंड जो स्टॉक अच्छे होते हैं उनमें एक चीज़ ध्यान रखना, तेजी बहुत कम आती है, वो ज़्यादातर प्रेशर में रहते हैं। प्रेशर लोग बड़े प्लेयर प्रेशर पैदा करते हैं, तो ये थोड़ा समझो। एंड जैसा कि आप देखेंगे कि स्टॉक की जो डिलीवरी है ना, कितना ही मार्केट गिरे कितना ही वॉलिटिलिटी में रही, डिलीवरी स्टॉक के हमेशा ऑलराउंड 40+ ही देखने को मिलती है। तो अभी के टाइम अगर देखा जाए, फ्राइडे के सेशन में देखा कि ऑलराउंड देखो जो वॉल्यूम थी ना स्टॉक की कितनी डाउन थी। जिस दिन स्टॉक 5-6% भागा था, 70+ निकला था ना, उस दिन वॉल्यूम कितनी थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 23 करोड़ की वॉल्यूम थी। एंड अभी के टाइम वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम भाई आ चुकी है 2 लाख, यहाँ पे 2 करोड़ 64 लाख की। तो आप समझ लो वॉल्यूम ओनली फॉर भाई कम से कम यहाँ पे 4-5 गुना तक हमें नीचे आती हुई नजर आ रही है। 4-5 गुना ऑलमोस्ट, 4-5 क्या यहाँ पे 7-8 गुना तक वॉल्यूम नीचे आ चुकी है। तो ये सीधा सीधा संकेत कर रहा है किसकी तरफ, कि थोड़ा बहुत अभी के टाइम बहुत कंसोलिडेट करेगा एंड जो Q1 के रिजल्ट है पहले वो देखेगा मार्केट, उसके बाद इसमें अपना व्यू लगाएगा कि आगे हमें स्टॉक में किधर जो ट्रेंड है वो देखने को मिलेगा। बट मेन चीज़ अभी के टाइम आपका जो MO है पॉजिटिव है, यहाँ पे MO के अंदर 1100 क्वांटिटी पॉजिटिव है एंड जो स्टॉक की डिलीवरी वो भी बेटर नजर आ रही है। जो यहाँ पे रिजल्ट डेट है वो कंपनी ने अभी के टाइम कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी, अनाउंसमेंट होते ही आपको मैं अपडेट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि इस स्टॉक को मैं डेली कवर कर रहा हूँ एंड सारी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। बट देखो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो कंसोलिडेट से भी यहाँ पे चिढ़ जाते हैं कि भाई ये बहुत हुआ कंसोलिडेट, ना तो भाग रहा ना नीचे जा रहा, क्या मतलब यार कैसा स्टॉक है, इसकी जगह अगर दूसरे स्टॉक में लगा तो कैसा बनता। बट वही देखो, जो आप ये डिसीजन ले रहे हो ना, आप ये डिसीजन इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं कि आगे कितना भागेगा। अब मान के चलो आपने स्टॉक में लगाया यहाँ पे 5 लाख रुपये, ठीक है 5 लाख लगाया, अब आपको ये लग रहा है कि अभी के टाइम 62 का है, 62 का शेयर मान के चलो यहाँ पे अराउंड 125 पे जाता है, तो क्या हुआ पैसा डबल हो गया, ठीक है पैसा डबल हो गया, 5 का कितना हुआ 10 लाख हो गया। अब आप बोलोगे कि भाई पता नहीं कब जाएगा, इतना वेट करना पड़ेगा, 5 को दूसरी जगह लगाते तो कम से कम अब तक 1-1.5 लाख कमा लेता उससे मैं बजट के आसपास अब तक यहाँ पे। बट अब बड़ा प्लेयर क्या करेगा, वो 62 पे मान के चलो उसने खरीदा, उसने 10-20 करोड़ शेयर खरीदा यहाँ पे, मान के चलो उसने यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपये का, मान लो 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने, ठीक है। अब यहाँ से 125 लेके जाएगा तो उसका कितना डबल होगा, उसका होगा 3000 करोड़। तो ज़्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है, उसको हो रहा है। तो वो क्या करेगा, पहले बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे खरीदेगा। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठाना कि मान के चलो बड़ा प्लेयर रिटेल को प्रॉफिट देने के लिए नहीं रहा यहाँ पे, वो क्या करेगा पहले खुद का पेट भरेगा, उसके बाद उसके साथ जो भी यहाँ पे रुकेगा ना वो पेट भरेंगे। बाकी मान के चलो लीडर तो वही है, अब लीडर के पीछे जो चलेंगे ना वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। तो बड़े प्लेयर सभी के टाइम दोस्तों समझो थोड़ी। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पे तो FI ने तो बेचा है, भाई FI नहीं मार्केट में, FI के अलावा भी बहुत बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, FI खुद बड़ा इन्वेस्टर है ना, तो म्यूचुअल फंड वाले भी कंपनी है यहाँ पे। एंड देख लो ये डिलीवरी उठा कौन रहा है, चलो रिटेल उठा रहा है, क्या आपने अभी के टाइम आप इतना धमा आपने क्या उठा सकते हो,
क्या लोग अभी के टाइम खरीदेंगे, रिटर्न नहीं बन रहा है, आप खुद पे नहीं कर रहे तो क्या दूसरा आएगा यहाँ पे फंसने, बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो ये डिलीवरी है सीधा संकेत कर रही है कि आगे कुछ मूवमेंट बनेगा, क्योंकि देखो मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे, एंड करंटली डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, डिमांड लगातार है, बट ऐसा है कि सप्लाई भी हो रही है क्योंकि रिटेल सेल कर रहा है बैक टू बैक। जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी तो आप देखना स्टॉक का प्राइस जंप करेगा। देखिए अभी के टाइम अगर हम देखें दोस्तों स्टॉक का आरएसआई कि भाई आरएसआई किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आरएसआई 48 पे, मतलब है बड़ा प्लेयर करता गया है, पहले भगा था फिर नीचे लाता फिर भगा था फिर बॉटम स्टॉक का यहाँ पे बना रखा है। तो 48 का आरएसआई जो कि लगभग बॉटम पे अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चार्ट को आप ठीक से समझो, चार्ट में हमेशा क्या चीज़ें नजर आई है, देखो यहाँ पे कि जब से इसमें कंसोलिडेट स्टार्ट हुआ ना, देखो यहाँ पे तेजी आई। अब इस तेजी के बाद क्या आना था, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, वो क्या देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। अब यहाँ पे क्या आना था, वैल्यू बाइंग, वैल्यू का मतलब कि वैल्यू के अकॉर्डिंग तेजी आई थी। प्रॉफिट बुकिंग का भाई जब कम्युनिटी सेलिंग की तरफ उतरी, अब जैसे कम्युनिटी ने सेल किया बड़ा प्लेयर फिर से यहाँ पे एंटर हुआ एंड उसने यहाँ पे तो बेच दिया, फिर यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट कर दी, प्रॉफिट कमाया। फिर यहाँ से उसने क्या किया कि अभी अगर भगाएंगे तो सेविंग सक करेगी। अब वो क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वो थोड़ा सा टाइम दे रहा है स्टॉक के पास, थोड़ा सा टाइम ले, उसके बाद फिर से मैं ऐसी तेजी लेके आऊँगा कि रिटेल यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं करवाएगा, रिटेल को फले निकाल दूंगा मैं। भाई ये साइकोलॉजी है ऑपरेटर की, समझ लो इस चीज़ को आप, क्योंकि ऑपरेटर मार्केट में ऐसे नहीं करते कि मान के चलो 10,000 कर लिया 20,000, भाई वो करोड़ों में क्वांटिटी खरीदते हैं उसको बाद में बेचते हैं। एंड देख लो यहाँ मान के चलो ऑपरेटर ने क्या किया, देखो कैसे पैसा बनाएगा, स्टॉक को जैसे दवा की क्वांटिटी खरीदी फिर भगाया बेचा फिर खरीदा फिर यहाँ पे प्रॉफिट में, अब धीरे धीरे फिर क्वांटिटी खरीद रहा है, अब फिर यहाँ से क्या करेगा ये भगाएगा फिर सेल करेगा फिर कंसोलिडेट होगा फिर बॉटम पे खरीद लेगा। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग वो भी देखेगा कि आगे स्टॉक में कितनी ग्रोथ है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। एंड अभी के टाइम पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, आने वाले 10-15 दिन में कुछ बड़ा होगा, क्वार्टर वन के रिजल्ट देखो फिर हम जज करेंगे आगे हमें क्या करना है, ठीक है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिल